आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की जरूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। ओरल केयर एडवाइस, एंटी टोबैको एंड कैंसर अवेयरनेस विद एक्सपर्ट डॉक्टर रिदा इफत, डॉटर ऑफ डॉक्टर शिराज खान। सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। देखिए, कोई भी चीज, अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको ये करना चाह रही हूँ कि सबसे पहले बात ये है, स्टार्ट में कुछ इस तरीके से करना चाह रही हूँ कि हम अगर विधायक चुनकर उसको असेंबली में भेजते हैं तो उसको हम क्यों भेजते हैं? असेंबली में इसलिए भेजते हैं कि वो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है उसका निवारण करे, वहां जाके कोई सोल्यूशन लेकर आए, या हमारे ऊपर कोई ऐसे फितने या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है जो हमारे सर पर लाकर लाद दे। एमएलए को हम क्यों चुनते हैं और क्यों उनको असेंबली में भेजते हैं? हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो करके कोई सोल्यूशन निकलेंगे, ना कि कोई नई प्रॉब्लम हमारे सर पर आए। जैसे कि भी आपको पता होगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का जो है वो बहुत बड़ी जो है ये हॉट टॉपिक है, पूरे देश भर में चल रहा है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के ऊपर खास हमने बात करना है और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को हम किस तरीके से आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से आगे जो लिंक हो रहा है, मैं आपको पूरी जानकारी देने के लिए यहाँ पर आप लोगों को बुलाई हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, जैसे कि ईसीआई ने जब सुप्रीम कोर्ट को बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि ईसीआई को कि भाई आप जो है वो रिलीज कीजिए ये सारे डेटा कि कौन सी कंपनीज ने जो है आपसे बॉन्ड्स खरीदे, इलेक्ट्रिक बॉन्ड्स वगैरह खरीदे। आपको मैं बता दूं ये पूरी लिस्ट मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, ये लिस्ट मेरे पास मौजूद है। खासकर मैं आपको यहाँ पर इसलिए बुलाई हूँ, मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बुलाया है कि एनसीपी पार्टी ने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो है वो मतलब टोरेंट पावर ने जो है वो खरीदी है एनसीपी पार्टी से, उसका खुलासा आपसे करना है और आप उसका वक्त देखिए और आप उसका पैसे देखिए। यहाँ पर आप लोगों को बुलाने का खास मकसद कुछ ऐसा है कि टोरेंट पावर ने सबसे पहले ये बॉन्ड का नंबर है यहाँ पर 3878 5 अक्टूबर 2019 को, इसकी लिस्ट मैं आपको बताती हूँ, 1 अक्टूबर को जो है वो परचेस किया किसने, टोरेंट पावर ने, यहाँ पर लिस्ट में मौजूद है, कितना, 1 करोड़ रुपए, ठीक है। उसी तरीके से 2 बार उन लोगों ने 1 करोड़ रुपए जो है वो ये इलेक्ट्रिक बॉन्ड लेकर परचेस किया। अब उसने एनसीपी पार्टी ने उसको रिडीम किया कब, 5 अक्टूबर 2019 को। आपको अगर याद होगा ये समय कौन सा था, ये समय असेंबली के इलेक्शन का था, असेंबली इलेक्शन उस वक्त थे, नॉमिनेशन चालू थे। और आपको बता दूं कि बिल्कुल 1 महीना पहले एनसीपी पार्टी ने बहुत बड़ी जो है वो पैदल मार्च की थी कलेक्टर ऑफिस तक, इसलिए इस संदर्भ में कि भाई हम जो है कुछ भी हो जाए टोरेंट पावर को मुमरा में लाने नहीं देंगे, मुमरा में आने नहीं देंगे। और इनके जो कलवा मुमरा अध्यक्ष है, इन्होंने भी कहा था कि हमारी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताइए, इन्होंने जिस हाथ से एमएलए के ऊपर लोगों ने भरोसा किया ना, आपके साथ कलेक्टर ऑफिस तक चलकर गए, जिस हाथ से आपने वादा किया मुमरा के लोगों से, उसी हाथ से आपने टोरेंट पावर से डील कर लिया, उनसे 3.5 करोड़ रुपए का जो आपने इलेक्ट्रिक बॉन्ड्स जो है वो खरीद लिया, ले लिया आपने उनसे पैसे। अब टाइमिंग देखिए, 1 करोड़ जो 2 करोड़ रुपए निकाले गए हैं, जो रीडिंग किए गए, वो 1 तारीख से 5 अक्टूबर के बीच में 2019 में, इसी वक्त एमएलए का इलेक्शन हुआ था। और एक न्यूज के माध्यम से ये साफ होता है कि शरद पवार जी ने खास रूप से कहा है कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे हम लोगों ने लोकसभा और असेंबली के चुनाव में इस्तेमाल किए हैं, इस न्यूज में, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज में ये चीज आई है। अब आपको बताने का और आपको बताने का मकसद ये है, यहाँ पर बुलाने का मकसद ये है कि ये झूठे, ये धोखेबाज एमएलए, मैं सिर्फ इनको नहीं, मैं बाकी लोगों को भी मैं बोलूंगी जो उनके कार्यकर्ता है जो आज तक सफाई देने में लगे,
वीडियो बना बना कर जारी कर रहे कि हमारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ, हमने कुछ नहीं किया, चोरी पकड़ी गई। अरे आपकी भी तो चोरी पकड़ी गई ना, और हमेशा ऐसे ही होता है आप सफाई देते हो लेकिन मुस्लिम लीग के पास तो पूरे कागजात मौजूद है। अच्छा बात यही खत्म नहीं होती है, और आप तो यहाँ के जो स्थानीय आमदार है कलवा मुंगा के उनके ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लगा रही है को लेके। नहीं नहीं देखिए मेरे पास सबूत है, हाँ ये सबूत है मेरे पास, ये SBI की जारी की हुई लिस्ट है, किसने परचेस किया वो भी लिखा हुआ है और कब और किसने रिडीम किया। अच्छा यहाँ पर बाकायदा देखिए क्या लिखा है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश, महाराष्ट्र से लिए गए ये पैसे। और ये न्यूज में भी साफ तौर से जो है इनके प्रमुख जो शरद पवार जी है इन्होंने खुद कहा है ये बात कि हमने उसको असेंबली इलेक्शन में यूज किया है। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती मोइंदा, मैं आपको एक और बात बताऊं, बात यहीं पे खत्म नहीं होती, ये तो 2019 की बात है। आपको मैं बता दूं 11 अप्रैल 2023 फिर टोरेंट पावर से इन लोगों ने 1 करोड़ रुपए लिए, उसके बाद फिर और 50 लाख रुपए लिए, उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर है। टोटल कितने पैसे लिए? 3.5 करोड़ रुपए जो है वो टोरेंट पावर से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में जो है वो उन्होंने खरीदे और इन्होंने रिडीम किए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने रिडीम किए। मैं मेरा बताने का मकसद ये है आपको कि ये काम इलेक्शन मतलब इन्होंने क्या किया, मुमरा की जनता को क्या भरोसा दिलाया, क्या उम्मीद दिलाई कि हम टोरेंट पावर आने नहीं देंगे। इन लोगों ने झूठ बोला, ये झूठे हैं, ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज MLA है, ये आपको ये वादे करेंगे कि हम करने नहीं देंगे, हम आने नहीं देंगे, हमारे इलाज पर से गुजरना पड़ेगा, लेकिन फिर आपने उनको आने दिया और उन्हीं से पैसे लेके उस इलेक्शन का आपने कैंपेन ही कर लिया। इतनी बेशर्मी आपने उसी का इलेक्शन कैंपेन किया। मैं आपको और एक बात बता दूं, ये तो अब इससे साफ जाहिर होता है कि आप बोलते कुछ और हो, चुनावी जुमले होते हैं आपके, करने में प्रैक्टिकली आप पूरे डिफरेंट हो। इसका मतलब आपका कहना ये साफ तौर पे कि टोरेंट को यहाँ लाने के लिए एवान साहब ने पैसे दिए टोरेंट को? बिल्कुल बिल्कुल लिया है उनसे। अब आपको बताओ इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बेसिक फंडा क्या होता है कि आप जो है चंदा दो मैं आपको धंधा दूंगा, ये इसका जो एक्चुअल जो इसका मतलब यही होता है कि आप जो है मुझे चंदा दो। तो इन्होंने 20 साल का धंधा दिया ना टोरेंट पावर को, दिया कि नहीं? तो 20 साल का धंधा दे दिया तो उन्होंने ये तो मैं आपको बता रही हूँ वाइट मनी है ये जो 3.5 करोड़ रुपए है और 2 करोड़ जो मैं इससे पहले मैंने आपको बताया है, तो ये तो सवाल या निशान हो गया, ये तो हमारे ये तो 3.5 करोड़ रुपए वाइट मनी है, तो ब्लैक मनी और कितनी हो सकती है? क्या ये सवाल या निशान नहीं बनता है लोगों के सामने? अब और कितने सबूत जो है हम लोगों के सामने पेश करें? अब इसका साफ जाहिर होता है कि यहाँ का MLA झूठा है, और ये क्यों होता है? क्योंकि वो यहाँ का नहीं है, वो बाहर से लाया हुआ है। कभी भी MLA जो है वो या कोई भी कॉर्पोरेट MLA है वो भी स्थानिक होना चाहिए। अगर वो स्थानिक होता है तो यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम समझता है, ना कि तुम्हारे शेयर को बेच के खा जाता है। तो बस इसी के लिए। और यहाँ पर तो मुझे एक एक वो याद आ गया कि यहाँ पर तो चौकीदारी चोर निकला, जिसको बोला गया कि शहर संभालो शहर संभालो शहर संभालो, चोरी तो उसी ने कर ली। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके। आरोप की बात नहीं, हम सबूत भी तो दे रहे हैं ना, हम सबूत भी तो दे रहे हैं। यहाँ पर तो चौकीदारी चोर निकला, तो आप खुद सोचिए कि जिसको शहर को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी उसने तो शहर को लूट के खा गया, लूट के बेच के खा गया उन्होंने। तो ये सबूतों के साथ हमको आज पेश करना बहुत जरूरी था, क्योंकि आने वाले चुनाव में लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि ये लोगों ने आपसे झूठे झूठे वादे किए। अब क्या भरोसा? आप मुझे बताइए कब्रिस्तान का जो मैटर है, कब्रिस्तान की जो जमीनें खा गई, आप तो बोलते कि हमारा उसमें मामला नहीं है, हमको नहीं मालूम कि वो खेल का मैदान है, आप उसके ऊपर पॉलिटिक्स करते हो आकर, तो हो सकता है उसमें भी आपका ही हाथ हो पीछे। आपने अब तक स्लॉटर हाउस नहीं दिया, अभी बकरा ईद आने वाली है, तो ये सब के पीछे भी तो आप ही का हाथ होगा। आप तो स्टेटमेंट आके देते हो, चुनावी जुमले दे देते हो, बाद में सच्चाई तो यहाँ पर निकल के आ जाती है, और किसी न किसी तरीके से मुस्लिम लीग उसको आपका भांडा तो फोड़ ही देती है। देखिए ये जो वाक्या जो अभी सामने आया है हम लोगों के, और ये जो हम लोगों ने जानकारी और डिटेल्स निकाली है, ठीक है, NCP का जो ये कांड निकाला है हम लोगों ने, ये वाक्या जो गुजरा ये 2019 के इलेक्शन के लिए यूज किया गया पैसा है, जो पब्लिक का पैसा है, ठीक है। तो ये मतलब जितने बागड़ बिल्ले ना, और जिन्होंने अभी कुछ महीने पहले बाप बदले, ये सब इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये क्या हिसाब है पता है, ये कद्दू कटा सब में बटा, लेकिन जो हमारे MLA साहब है उनको थोड़ा हिस्सा ज्यादा चला गया कद्दू का, बाकी जो टुकड़ा था वो बाकी के मुमरा के नगर सेवकों में बटा है। तो इनकी जो अय्याशियां है, होटलबाजियां है, जो भी कुछ इन्होंने किया है कार्यकाल में, इनके विकास को छोड़कर मुमरा शहर के फायदे को तो छोड़ो, इन लोगों ने तो लूट डाला, बर्बाद कर दिया मुमरा शहर को। 3.5 करोड़ रुपए का मतलब कुछ मायने होता है कि नहीं होता है?
आपने किसका पैसा यूज किया बैंक से लेकर के, एसबीआई बैंक से टोरेंट ने लिया, टोरेंट लेकर जो आपको बॉन्ड दिया है वो किसका पैसा है वो? और यहाँ पर लोग चार चार पांच पांच हजार रुपया महीने की लाइट की बिल भर रहे हैं, वहां पे पांच पांच घंटा लाइन में लगा के हाथ पैर जोड़ रहे मुंगरा की जनता व टोरेंट के ऑफिसरों के सामने, और जो दो हाथ से टोरेंट की ऑफिसरों के सामने बैठकर जनता मुंगरा शहर की हाथ पैर जोड़ रही है। हम लोगों ने आज से देखा है, हमारी माँ बहने वहां बैठ के सर पटक के आती है, वहां पर लोगों ने कहा हम फांसी लगा लेते, ये क्या, ये मतलब कितना टुच और कितना नीच गिरी है ये, हाँ ये कौन सी हरकत है ये? फिर भी आज मुंगरा शहर के अंदर तुम्हारा मतलब तुम्हारा मुंह कैसे खुलता है बोलने के लिए कि हम तुम्हारे लिए करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, हमने ये किया हमने वो किया है। आप लोग जो हो ना बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन और क्या कहते हो मेहंदी कॉम्पिटिशन ओपनिंग सेरेमनीज ये सब लोग आप लोग ये सब में ही ठीक हो, और आपके जो नगर सेवक गुजरे हैं ना ये गटर नालों में ही ठीक है, उसके आगे लोग कभी बढ़े नहीं ना कभी बढ़ सकेंगे, ठीक है। अब ये अल्फाज भी मतलब ठीक है वो बोल के भी एक चीज आपकी बातों से मुझे याद आई कि मैं आप छोटी सी बात में मैं खत्म करना चाहूंगी। अभी बीच में दो हादसे हुए थे शफीका कॉम्प्लेक्स में, जो अमीनाबाद का जो एरिया है वहाँ पर बच्चे का जो इंतकाल हुआ था शॉक लगने से। आप बताइए कि ये जब भी कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो ये टोरेंट पावर को बचाने के लिए एनसीपी के दलाल क्यों पहुंच जाते हैं, क्यों पहुंचते? क्योंकि 2023 में भी अलग से पैसे लिए गए, 2019 में पैसे लिए गए, जब पैसे लिए तो दलाली तो करेंगे ना। जहां जहां पे कोई ऐसे हादसे हो गए, अगर इनकी एफआईआर दर्ज हो जाती, ऑलमोस्ट दर्ज होने पे थी, लेकिन इन लोगों ने आकर जो है वो दलाली कर दी अपनी। तो ये सारी चीजों को बहुत मायने रखती है, आप लोग इस चीज के ऊपर सोचिए कि ये जहां जहां पर ऐसे कोई हादसे होते तो इनके दलाल क्यों पहुंच जाते हैं वहां पर। तो ये सब चीजें सोचने वाली है मेरे मुमरा वासियों, आप लोगों से लास्ट में अपील सही में करना चाहूंगी कि आईंदा आने वाले इलेक्शन के लिए आप लोग इस चीज के ध्यान दीजिए और ऐसी पार्टी को आप दोबारा मौका ना दीजिए। ये चीज मैंने पहले भी पूछा था, बोला था लोगों को कि ये चीज समझ में नहीं आती है कि ये एनसीपी वालों ने दहेज दिया है टोरेंट वालों को, ये टोरेंट वालों ने दहेज लिया है, आज समझ में आ गया किसने किसको क्या दिया और क्या लिया है।